तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी 10 थिंग्स यू शुड नेवर गूगल, वो वीडियो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी कि उसका पार्ट टू बने। लास्ट वीडियो की तरह मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गूगल पे जाके तुम ऑलमोस्ट हर चीज़ सर्च करते हो, तुम्हें कुछ नया सीखना होता है, कुछ नया जानना होता है, तुम हर चीज़ गूगल पे सर्च करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें कभी भी गूगल नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ही 10 चीज़ें मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो और पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हो तो वेलकम, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। एंड मेरे बाल हमेशा ऐसे नहीं होते, प्लीज इग्नोर माय हेयर, मेरे बाल अभी मेरे कंट्रोल के बाहर हैं। एनीवेज, और साथ ही साथ अगर तुमने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद तुम पार्ट वन भी जाके देख सकते हो। ओके, नंबर वन इज बेली बटन बग्स। बेली बटन बग्स नाम सुनते ही तुम्हें समझ आ जाता है कि क्या ही हो सकता है और क्या ही होगा इसमें, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार इतना भी बुरा नहीं होगा, ट्रस्ट मी ये बहुत बुरा है। मैं जब इस लिस्ट के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं ऐसी चीज सोच रहा था कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, मैं नॉर्मल चीजें नहीं डालना चाहता था लिस्ट में। तो जब मैंने ये नाम पढ़ा बेली बटन बग्स, आई वाज लाइक कि यार क्या ही होगा इसमें, इतना इंटेंस तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब मैंने सर्च करा तो मेरी फट गई। तो कभी भी जाके गूगल पे बेली बटन बग्स सर्च मत करना। लेकिन मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, इस वीडियो के साथ ही साथ दूसरा टैब खोल के बैठी हुई होगी, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, इट्स अप टू यू। तुम्हें सर्च करना है तो तुम कर सकते हो अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि रिसर्च के लिए मैंने भी सर्च करा था इन सब चीज़ों को और उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। नंबर टू इज थिंग्स फाउंड इन फास्ट फूड। अगर तुम डाइटिंग पे जाने का सोच रहे हो और जंक फूड खाना बंद करना चाहते हो तो ये परफेक्ट सर्च है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम ये सर्च करोगे तो तुम्हें गूगल इमेजेस पे जाके इतनी सारी इमेजेस मिलेगी अलग अलग फास्ट फूड चेन के खानों के अंदर अलग अलग चीजों की, लाइक इट्स सो क्रेजी। भैया रिकॉर्डिंग के टाइम में क्यों भौंकना शुरू करते हैं, क्या चाहिए भाई, 15 मिनट चुप हो जाओ प्लीज। एनीवेज, जब तुम ये सर्च करोगे तो तुम्हें अलग अलग फूड आइटम्स में जो अलग अलग फूड चेन्स की तरफ से हैं उनके अंदर जो अलग अलग चीज़ें लोगों को मिली है उन सब की पिक्चर्स देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि किसी फूड चेन के बर्गर में कॉकरोच निकल रहा है, किसी के पिज्जा में नाखून निकल रहे, किसी में कुछ निकल रहा है। तो वो सब कुछ देख के ना तुम्हारे अंदर एक फोबिया डेवलप हो जाएगा और शायद तुम फास्ट फूड खाना ही बंद कर दो। तो अगर तुम्हें अपनी हेल्थ सही करनी है और जंक फूड खाना बंद करना है तो ये परफेक्ट सर्च है तुम्हारे लिए, क्योंकि इट्स वेरी पॉसिबल इसके बाद तुम फास्ट फूड खा ही ना पाओ। नंबर थ्री इज थिंग्स यू लव एंड कैंसर टुगेदर। तुम्हें लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें पसंद होती हैं जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, मेरा अराउंड भी है, लाइक मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, काफ़ी और चीज़ें, मेरा गिटार है, 100 चीज़ें, लेकिन कभी भी उसके साथ कैंसर को सर्च मत करना, क्योंकि गूगल तुम्हें ऐसे रिजल्ट देगा जो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें दिखा देगा कि उससे तुम्हें कैंसर हो सकता है। इट्स वेरी ट्रू, तुम कुछ भी सर्च करके देख सकते हो, लाइक मैंने खुद ही रिसर्च के लिए मैंने सर्च करा इलेक्ट्रिक गिटार एंड कैंसर, हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक गिटार से कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन एंड एवरीथिंग, बट जो भी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ कैंसर को कभी सर्च मत करना, तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नंबर फोर इज ब्लू वॉफल स्किन। ओ भाई ये चीज़ इतनी ज़्यादा ग्रोस है ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, लाइक इट्स अ डिजीज जो जेनिटल एरिया में होता है, बट लेकिन इतना डिसगस्टिंग है ना, एंड जिन लोगों को ये होता है उनके लिए तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, क्योंकि तुम्हें देखते ही पता चल जाता है कि ये किस इंटेंसिटी की बीमारी है, तुम्हारी फट जाएगी देख के, तुम ग्रोस आउट भी हो जाओगे, इट्स सो क्रेजी, बहुत बहुत ग्रोस है, तो ब्लू वॉफल स्किन सर्च मत करना। नंबर फाइव इज आई लैश लाइस। तुम्हें पता होगा लोगों को जुएं हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तुमने अभी तक यही सुना होगा कि जुएं मतलब बालों में ही होती हैं, लेकिन कभी सुना है किसी को जुएं आई लैश में हो रही हो, इट्स अ रियल थिंग, आई लैश लाइस इज अ रियल थिंग एंड इट्स सो फकिंग डिसगस्टिंग, ओ गॉड, तुम वो पिक्चर्स देख के विक्टम्स का ना मतलब पेन फील कर सकते हो, तुम्हारी खुद की आंखें ऐसे छोटी छोटी हो जाएंगी देख के, एंड यू विल बी लाइक व्हाट द फक, बहुत ग्रोस चीज़ है। तुम्हें हिम्मत है, तुम्हें अगर जानना है तो तुम सर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मत ही करो तो बेटर है। नेक्स्ट इज अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिंग प्लेज। ओ भाई नेवर नेवर एवर सर्च फिंग प्लेज ऑन यूट्यूब, नेवर एवर, वहाँ पे तुम्हें फिंग की मतलब गेमिंग स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, तुम्हें गेमिंग वीडियोस मिल जाएगी और फिंग वहाँ पे काफ़ी रेगुलर होता है, काफ़ी बार फिंग वहाँ पे आके गेमिंग करता है और रैंडमली चिल करता है, आके कोई भी गेम खेल रहा होता है, ऑडियंस से बात कर रहा होता है, तो फिंग प्लेज कभी सर्च मत करना, कभी भी मत करना। और अगर तुम्हें सही में हिम्मत है तो तुम सब्सक्राइब करके भी देख सकते हो उस चैनल को। क्या शेमलेस प्लग था भाई। नंबर सेवन इज रिंग एवल्शन। तुम में से काफी सारे लोग रिंग्स पहनते होंगे, ठीक है, मैंने अभी नहीं पहनी हुई लेकिन मैं भी रिंग पहनता हूँ, लेकिन जब मैंने रिंग एवल्शन सर्च करा
तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद मेरे को अनकंफर्टेबल फील होने लग गया रिंग्स पहनने में। सो बेसिकली तुमने काफी नोटिस करा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो रिंग्स पहनते हैं, काफी टाइम से एक ही रिंग पहनी हुई होती है उन्होंने, और विद टाइम लाइक वो ग्रो होते हैं, लेकिन रिंग का साइज तो वही रहता है, तो वो रिंग अटक जाती है उनके फिंगर्स में। तुमने काफी ऐसे लोग देखे होंगे, तुम्हारी फैमिली में भी होंगे, जिनके हाथों में उंगलियों में रिंग रहती है हमेशा, क्योंकि वो उसको निकाल नहीं सकते, वो वहां फंस चुकी है। यही सेम सिचुएशन जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो वो रिंग इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि रिंग अटकने पे रिंग के ऊपर जो फिंगर है उसकी पूरी स्किन निकल आती है। इट्स अ रियल थिंग। अगर तुम देखते हो कि किसी की उंगली में कोई रिंग फंसी हुई है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे जाके अगर वो और टाइट होती गई तो ऊपर की पूरी फिंगर ही निकल सकती है। काफी सारे लोग जो रिंग्स पहनते हैं वो आगे जाके फ्यूचर में इस चीज को फेस कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि तुम कंफर्टेबल और थोड़ी सी लूज रिंग्स ही पहनो, क्योंकि अगर एक रिंग फंस गई और तुमने बहुत लंबे टाइम तक, बहुत सालों तक उसको पहने रखा, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारी उसी फिंगर की पूरी स्किन बाहर आ जाए। तुम जाके रिंग अवल्शन सर्च करोगे तो तुम खुद देख सकते हो। मेरी बहुत बुरी फट गई थी, उसके बाद रिंग्स पहनने में मेरे को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अगर हमने रिंग अवल्शन की बात करी है तो नेक्स्ट थिंग इज डिग्लव्ड फेस। यार इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, इसको हिम्मत है तो गूगल कर लो, ठीक है। मैं इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम में हिम्मत है तो तुम खुद जाके गूगल कर सकते हो। नाइन्थ इज माउथ लार्वा। आई थिंक सुनने से ही तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ हो सकती है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सर्च करना है, तुम कर सकते हो। काफ़ी सारे तुम में से ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो इसलिए देखते हैं कि मैं ऐसी क्या चीज़ें बता रहा हूँ और क्या तुम उनको टॉलरेट कर सकते हो या नहीं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं, तो अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो तुम माउथ लार्वा सर्च कर सकते हो, तुम्हारी फट जाएगी। तो अगर तुम्हें खुद को टेस्ट करना है तो तुम माउथ लार्वा सर्च कर सकते हो। एंड द टेंथ थिंग इज क्रोकोडिल। क्रोकोडिल इज अ ड्रग जो लोग हेरोइन के रिप्लेसमेंट में लेते हैं, हेरोइन की जगह लेते हैं, और वो हेरोइन से बहुत 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 ज्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें एक हाई तो एक्सपीरियंस होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और जो साइड इफेक्ट्स हैं उस ड्रग के, वो बहुत इनसेन है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि तुम्हारी स्किन पूरा डिके करने लगती है, तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा डिके करने लगती है, लिटरली गिरने लगती है तुम्हारे हाथ पैरों से, तुम्हारी स्किन बेसिकली क्रोकोडाइल स्किन जैसी लगने लग जाती है, बहुत ज्यादा डिके होने लगती है और गिरने लगती है तुम्हारे हाथ पैरों से, और बहुत बहुत वर्स कंडीशन में चले जाते हो तुम। दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग क्रोकोडिल। इस ड्रग का नाम क्रोकोडिल इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको लेने के बाद स्किन एकदम क्रोकोडाइल स्किन जैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा डिके कर जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एंड बहुत बहुत बुरी मौत मरते हो तुम। तो मेरा काम था बस इस ड्रग के बारे में बताना, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम सर्च कर सकते हो, वैसे ये सर्च करने वाली चीज है नहीं। तो गाइज आई होप तुम्हें ये सारी 10 चीजों के बारे में जिनके बारे में मैंने बताया, तुम जाके इन्हें गूगल ना करो, बस जान लो इनके बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हें हिम्मत है तो तुम जाके सर्च कर सकते हो, तुम्हें खुद को टेस्ट करना है, तुम देखना चाहते हो कि तुम कितनी डिस्गस्टिंग चीजें देख सकते हो अपनी लाइफ में, कितनी डिस्गस्टिंग चीजें झेल सकते हो, तो ये पूरी लिस्ट जाके तुम अलग से सर्च कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि कभी भी गूगल नहीं करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक जरूर करो, एंड मेरे को बताओ कि तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या ऐसी और चीजें हैं जिन्हें हमें गूगल नहीं करना चाहिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।